फ्रेंड्स, प्रिंसिपल साइमन एक नेक और ईमानदार शख्स हैं, मगर उन्हें बेईमानी और झूठ की सूली पर चढ़ाया जा रहा है। हक और इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाओ और मारो जहर को जहर से। डिमांड अ जस्ट एंड फेयर एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड फाइट करप्शन। हम आपके साथ हैं सर। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। आओ मेरे साथ। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। 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 वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। वी वांट जस्टिस। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। हक और इंसाफ की लड़ाई सर, लेकिन मेरे लिए तुम अपने उसूल क्यों तोड़ रहे हो? आपके लिए नहीं सर, आप तो सिर्फ एक सिंबल है, लेकिन ये रिवॉल्ट, ये बगावत आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम जानते हैं सर कि ये रिवॉल्ट है, बगावत है, मगर ये सब जायज है सर। नहीं अली, मेरी नौकरी से ज्यादा कीमती तुम्हारे उसूल है। प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज मान जाइए ना सर, प्लीज सर। सर इनके फीलिंग्स की कदर कीजिए सर। वी नीड यू सर, वी नीड यू सर। देखिए जिद मत कीजिए, हम आपको जाने नहीं देंगे। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर, हमारी बात मान जाइए ना सर। प्लीज सर मान जाइए ना सर। प्लीज सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर। अली, सच की लड़ाई को ये मोड़ तुमने दिया है मुझे बचाने के लिए? नहीं सर, इंसाफ को बचाने के लिए मोड़ मैंने जरूर दिया था सर, मगर जज्बा, जज्बा तो इन स्टूडेंट्स का है सर। थैंक यू। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। बधाई हो सर जी, बहुत बहुत बधाई हो। क्या पासा फेंका है भाई, मान गए, मजा आ गया। आओ मिश्रा, तो कैंपस में खबर फैल गई, क्या रिएक्शन है? रिएक्शन से क्या लेना देना, आपको क्या फर्क पड़ता है? उस साइमन के बच्चे की बात बताओ, उसकी नींदें उड़ी कि नहीं? अभी अभी तक उनसे भेंट नहीं हुई। क्या कॉलेज की रिएक्शन के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं? साइमन की कोई बात नहीं बता रहे तो यहाँ क्या लेने आए हो? झक मारने आए क्या? आपसे तो मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि साइमन की कुर्सी किसे देंगे? क्यों, तुम्हें उससे क्या मतलब? भरपूर मतलब है सर जी। अब ऐसे अवसर जीवन में बार बार तो आते नहीं, हमारी तरफ ध्यान दें। अरे सीनियरिटी के हिसाब से पूरे कॉलेज में उस कुर्सी के योग्य मेरे सिवा कोई नहीं, सिर्फ मैं। पागल हो गए मिश्रा, घर जाके आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम्हें जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। Now get lost, leave me alone. ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ सर जी, और वो भी इस मुसीबत में? तो बैठ जाओ, मेरे सर ऊपर बैठ जाओ, यहाँ टांगे पसार कर लेट जाओ यहाँ। आप सचमुच आज बहुत अच्छे मूड में है, मजाक में मजाक किया जा रहा, लेकिन मेरी बात पे ध्यान आपने अभी भी नहीं दिया। मैंने कहा एक मुसीबत है। मुसीबत? कौन सी मुसीबत है? अब आप मुझे प्रिंसिपल की कुर्सी के योग्य समझें या न समझें, लेकिन आपका वफादार हूँ,
समाचार तो पहुंचाऊंगा ही ना। तो बको फिर, क्या समाचार लाए हो? मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मतलब? मतलब ये कि कॉलेज के सारे छात्र प्रिंसिपल साइमन को बचाने के लिए मोर्चे की तैयारी में जुट गए, और कल सुबह होते ही शिक्षा मंत्री के घर के बाहर धरना बैठ जाएगा। क्या बक रहे हो मिश्रा? आपसे झूठ बोलकर मुझे अपनी कुर्सी थोड़ा ही खोना है। अब जो इन कानों ने सुना वो मुझसे कह दिया। Get me Education Minister Ganesh Bihari. This is Om Prakash Makkad on the line. हाँ समझ गया हूँ। हम हमारा तख्ता पलटने की बात करते हैं। चूड़ियां पहन रखा हूँ क्या हम? अरे भेड़ बकरियां हाँकना हमें भी बचपन से बहुत आता है। हाथ पैर तुड़वा के गले में लटकवा दूंगा ससुरों को। और अंजना जी, हमारे लड़कों से कहिए तैयार रहें। नहीं गणेश जी, आप सरकारी आदमी हैं, आपकी हिफाजत सरकार की जिम्मेदारी है, आप पुलिस प्रोटेक्शन मांगिए। हरगिज नहीं, कायर हूँ क्या हम जो पुलिस की छतरी मांगूंगा? अरे हमारी रेपुटेशन में फर्क नहीं ना आ जाएगा? हम मक्खियों के झुंड में कूद पड़ू ना तो सब भिन भिन करके उड़ जाएंगी। हाँ गणेश जी, जब सुई से काम चल सकता है तो आप भाला क्यों चला रहे हैं? कमिश्नर भटनागर को बुलाइए, अगर वो लोग दंगा फसाद करे तो हो सकता है एक आधा पत्थर कमिश्नर साहब को भी लग जाए। अरे वामा जिसकी डिबिया, तुम्हारा ये आइडिया हमको बहुत पसंद आया। तनिक लगाओ फोन उसे, ससरा खा खा के मथुरा के पेड़ की तरह फूलता जा रहा है। हेलो, ये लीजिए कमिश्नर। हाँ हम बोल रहा हूँ, आजकल कुछ काम काज भी करते हो, बैठे बैठे पेट पे तबले बजाते रहते हो। मिस्टर गणेश बिहारी, मैं ना तो इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ना वर्दी की बंदिश में, इसलिए सिर्फ मतलब की बात करो और वो भी तमीज से। इसे कहते हैं ना काल का चमत्कार। पुलिस कमिश्नर अब शिक्षा मंत्री को बोलने की शिक्षा देगा। एक तो हमसे गद्दारी की, हमारी हड्डी चबाकर हम ही को काटा है? हमारे खिलाफ सरकारी गवाह बन बैठे, अब कहते हो कि तमीज से बात करूं। फोन क्यों किया ये बताने का कष्ट करेंगे आप? हाँ बताता हूँ, अगर उस साइमन की तरह बनवास नहीं चाहते ना तो कल सुबह पूरी फौज के साथ हमारी चौकीदारी के लिए हाजिर हो जाओ। हम पर हमला होने वाला है। हमला? हाँ हमला, और याद रहे पूरी फौज के साथ आना। जय देवा। रंजना जी, कर दी ना नींद हराम उस ससुरे की। हेलो मिस्टर भटनागर, आप यहाँ? तो इंसान हैवान की हिफाजत कर रहा है। नहीं मिस्टर हसन अली, कानून कानून की हिफाजत करने के लिए मजबूर है। ड्यूटी पर हूँ, गलत मत समझिएगा। आई अंडरस्टैंड मिस्टर भटनागर, मगर ख्याल रहे कि ड्यूटी ड्यूटी से न टकरा जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमिश्नर साहब, आपको मंत्री जी ने बुलाया है। एक्सक्यूज मी। We want justice! We want justice! Ganesh Bihari! Murdabad! Ganesh Bihari! Murdabad! We want justice! We want justice! We want justice! आपने याद किया मंत्री जी? अरे ओ कमिश्नर, क्या नाम श्राप नारे लगाए लोग, श्राप दे रहे हमें, बंद करो इनका मुंह, लाठी चलाओ। मंत्री जी, नारे लगाना कोई जुर्म नहीं, जब तक कोई खतरा पैदा नहीं होता पुलिस डंडा नहीं चला सकती। अरे तो हम डंडा चलवा देता हूँ, बहुत लठैत पाल रखे हमने। अरे ओ हरिया, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है मिनिस्टर गणेश बिहारी, अपने लठैत मत बुलाइए वरना शांति भंग करने के जुर्म में कानूनन गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आ रही है, गद्दारों से हाथ मिला के आए हो क्या? गद्दार कौन है, इसका फैसला कौन करेगा?
नहीं आप। हम करूंगा इसका फैसला बहुत जल्दी, पहले इनका मुंह तो चुप कराओ। क्यों चिल्ला के अपने गलों को तकलीफ दे रहे हो? तुम लोगों के मुर्दाबाद कैसे हैं? मुर्दाबाद नहीं होने वाला हूँ। देखो हम अहिंसावादी हूँ, मारपीट में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो समस्या है उसका बातचीत से समाधान निकाल देता हूँ। गणेश बिहारी तू कहाँ इन लोगों में शामिल हो गया? अंदर आ, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। वेट शक्ति, डोंट मूव। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी ये सारी मांगे 10 कदम पीछे हट जाएंगी। सही और गलत की रेखा को समझो फॉर गॉड्स सेक। अरे वाह प्रोफेसर, यही हम भी कह रहा हूँ कि सही और गलत की रेखा को समझो। पंगा मत लो हमारे साथ, हम बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, आपने जो करना था आप कर चुके, अब हमारी बारी है। आपको जो भी बात करनी है हसन सर से कीजिए, और यही भी कीजिए, सबके सामने कीजिए। तो अहिंसा का पुजारी हिंसा पे उतरा है, ऐसा ही समझ लो गणेश बिहारी। अरे लेकिन तुमसे हम क्यों बात करूंगा? तुम तो ससुर साइमन का चमचा हो ना। हम शक्ति को समझता हूँ, शक्ति हमें समझता है। जो फैसला करना मैं इसके साथ करूंगा। और शक्ति चलो। नहीं गणेश भाई, इस वक्त हसन सर हमारे लीडर हैं। आपको जो कुछ कहना है इनसे कहिए। अरे इससे कैसी बात करनी, हम खूब समझता हूँ। सब फसाद की जड़ तो यही है। अरे कमिश्नर, भगाते उन लोगों लाठी मार के हम चीफ मिनिस्टर को फोन लगाऊं? जरूर लगाइए। गणेश बिहारी मुर्दाबाद, गणेश बिहारी मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, गणेश बिहारी मुर्दाबाद, गणेश बिहारी मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, गणेश बिहारी मुर्दाबाद। तुम मुर्दाबाद, तुम्हारा मोर्चा मुर्दाबाद, तुम्हारा खलीफा मुर्दाबाद। अरे वो रंजन जी बंद करो दरवाजा, कर दिया अपने बच्चा सवाल। चिको चिको मुर्दाबाद, जिंदाबाद। अगला नंबर। हेलो, हाँ एक मिनट गणेश जी, सीएम के ऑफिस से आपके लिए फोन है। हाँ हम बोल रहा हूँ। गणेश जी आपको फौरन इसी वक्त सीएम साहब के ऑफिस में बुलाया है। आता हूँ। भूकंप, एक भूकंप सा खड़ा कर दिया है आपने गणेश बिहारी, अपनी हरकतों की वजह से। पूरी प्रेस ने हंगामा मचा रखा, स्टूडेंट्स धरना देकर आपके घर के बाहर बैठे। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप, किस किस का मुंह बंद करेंगे? शिक्षा मंत्री होकर आप स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करवाने का हुक्म देते हैं, खुलेआम उन्हें मौत की धमकी देते हैं। क्या क्या समझते हैं आप कि इस तरह से स्टूडेंट्स की आवाज बंद कर देंगे? हरगिज नहीं, बल्कि इस तरह से आप उन्हें अपने खिलाफ बगावत करने के लिए उकसा रहे हैं। आज तो सिर्फ सेंट्रल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो शहर के सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे, और उस वक्त कुर्सी छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा आपके पास। सब कुछ बोल चुके सीएम साहब, या कुछ और बोलना बाकी है? यही वो हरकतें हैं गणेश बिहारी, जिनकी वजह से आपने सिर्फ एक दिन में प्रिंसिपल साइमन को हीरो बना दिया। हर जगह चर्चा है उनके नाम की, पर अब आप उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते, न कानून की मदद से, न ही आपके गैर कानूनी तरीकों से। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि प्रिंसिपल साइमन से माफी मांगिए और उन्हें नौकरी पर बहाल कीजिए। अगर मैं माफी मांगने से इनकार कर दूं तो मुझे आपका इस्तीफा चाहिए अभी इसी वक्त। क्या बोला, क्या बोला तुम? सोच समझ कर फैसला करना सीएम साहब, क्योंकि जिस कुर्सी पर बैठकर आप हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं ना, वो हमारी बदौलत आपको मिल गया है। वरना आप भी शिवराम की तरह राजनीति की जंग हार चुके थे। और हाँ, शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर हम सिर्फ इसलिए विराजमान हूं ताकि प्रिंसिपल साइमन से पुराना हिसाब किताब चुकता कर सकूं, वरना हम चाहते ना तो सीएम की कुर्सी पर भी बैठ सकते थे। आप हद से बाहर जा रहे हैं गणेश बिहारी। आप अच्छी तरह से जानते थे कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना वो आप जैसे
अनपढ़ और गंवार आदमी के बस की बात नहीं थी। बहुत बुरा लगा ना? हमें भी बहुत तकलीफ हुई थी जब आपके कारस्थानियों के बारे में हमने सुना था मिस्टर गणेश बिहारी। चीफ मिनिस्टर होने के नाते मैं आपकी वजह से पार्टी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। और इतना याद रखिए कि स्टूडेंट से टक्कर लेने का मतलब है अपने फ्यूचर को चैलेंज करना। फैसला अब आपके हाथ, शिक्षा मंत्री के पद से त्याग पत्र या प्रिंसिपल साइमन से माफी। बचुआ लोगों के साथ हमारा फुल सिंपैथी है। बहुत अफसोस है हमें कि आप लोग यहाँ इतनी देर से बैठे हैं। आपकी पढ़ाई वेस्ट हो रही है। हम मानता हूँ कड़क मिनिस्टर, लेकिन फिर भी हमारा दिल मोम का है। वो कहा है कि तुम्हारे प्रिंसिपल से एक गलती हो गई। अब गलती तो इंसान से ही होती है ना। हमने सोचा कि उन्हें बहाल कर दूं। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। अब आप सब अपने कॉलेज जाइए, पढ़ाई में दिल लगाइए। हम अपना सस्पेंशन ऑर्डर वापस लेता हूँ। जय देवा। प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद, प्रिंसिपल साइमन जिंदाबाद। अरे हम इनका इतना बड़ा काम करके आऊं, कोई हमारा जिंदाबाद नहीं कहता है। मैं हूं ना गणेश जी, मैं बोलती हूँ। गणेश बिहारी जिंदाबाद, गणेश बिहारी जिंदाबाद। रहने दो माचिस के डिबिया, बहुत चिल्लाओगी गला बैठ जाएगा, फिर हमें गाना कैसे सुनाओगी। बाय द वे थैंक यू। हेलो, साइमन हियर। मिस्टर साइमन, हसन अली यार, गुड न्यूज सर, गुड न्यूज। आपका सस्पेंशन ऑर्डर विड्रॉ कर दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है अली। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ। इस जीत का सहरा तुम्हारे सर पर होना चाहिए। नहीं सर, नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि सच की लड़ाई इतनी आसानी से नहीं हारी जा सकती। सच्चाई की जीत हुई है सर, और इस जीत ने हमारे मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक्स अगेन। ऑफिस में मिलते हैं, मैं अभी निकलता हूँ। आई एम जस्ट लीविंग। ओके ओके सर। नमस्कार साइमन साहब, नमस्कार। अरे आप अभी जा रहे हैं इतनी जल्दी? क्या मतलब? अभी अभी तो आपने टेलीफोन पर कहा ना आई एम जस्ट लीविंग। भाई मुझे तो लगा था कि आप रुकेंगे, लेकिन आप हमें छोड़कर जा रहे हैं ये सुनकर अति दुख हुआ। बताइए, इतने सच्चे काबिल और ईमानदार प्रिंसिपल के साथ ये अन्याय, न जाने क्या होगा इस कॉलेज का। जो कुछ हुआ है मिश्रा जी, उससे तो बुरा नहीं होगा ना? हमने तो जब से सुना हमारे आंसू रोके नहीं रुकते, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। बहुत दुखी हैं सर जी हम इस बात से। आप मेरे लिए ऐसा महसूस करते हैं, वही मेरे लिए काफी है। हमारी तो आत्मा तक को कष्ट पहुंचा है सर जी, सच मानिए ये आंसू हमारे ही हैं, मगरमच्छ के नहीं। ठीक है, फिर इन आंसू को पोंछ डालिए और आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। हमारा सस्पेंशन ऑर्डर वापिस ले लिया गया है।